Hi guys, I am Prince and today I am come with a new brand video how we can create a small vacuum and low pressure under the artificial environment. कैसे हम low pressure और vacuum create करें under the artificial environment में, देखते हैं इस वीडियो में. हमें एक small vacuum create करने के लिए और अंदर low pressure करने के लिए हमें एक atmosphere की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम small vacuum create कर सके और उसमें low pressure कर सके. अब atmosphere बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लास लूंगा मैं. आर्टिफिशियल एटमोसफेयर बनाना पड़ेगा ना. आर्टिफिशियल एटमोसफेयर बनाने के लिए मैंने ग्लास लिया और मैं जा रहा हूँ. देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो पाता है कि नहीं. गाइस देख सकते हैं कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्यूम क्रिएट हुआ था, क्योंकि जब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्यूम क्रिएट ही नहीं होता तो जो ये वाटर देख सकते हैं आप, यहाँ से जो वाटर है ब्लू वाटर, ये ऊपर क्यों जाता. यहाँ पर जब पांच बहुत मिली सेकंड के लिए जो कैंडल है ये बर्न किया था, देखे होंगे वीडियो में, क्योंकि इसके अंदर जो इसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो होगा ही ना जो इसमें से जल गया और स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो गया थोड़ा सा. इसीलिए जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो गया. तो कोई भी चीज आपको पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया और ये इसके अंदर हो गया लो प्रेशर. इसीलिए जो वाटर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव किया और इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो गया था. देख सकते हैं आप कैसे एकदम अच्छा तरीके से जो प्रेशर है वर्क करता है और प्रेशर हमेशा वैक्यूम क्रिएट हो ही गया था. देखता हूँ, उठाता हूँ, ये देख सकते हो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो गया था. इसीलिए जो वाटर है इसके अंदर चला गया था, क्योंकि हर कोई चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है. यहाँ पर भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया. अब देख सकते हैं मैं फिर से ग्लास को डालूंगा तो ये ग्लास और जो वाटर है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव नहीं कर हाई, क्योंकि इसमें भी हाई प्रेशर हो गया और इसमें भी हाई प्रेशर हो गया. प्रेशर दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा वाटर. देख सकते हैं वाटर है, वाटर देख सकते हैं कैसे जैसे वाटर है और सही है. उस तरह का नहीं हुआ जिससे हम कैंडल जब जला करके आए थे उस तरीके का नहीं हुआ हो पाता है कि नहीं, कि क्या कोई चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है कि नहीं. इसके लिए मैं इसके अंदर एक वैक्यूम, छोटा सा वैक्यूम क्रिएट करूंगा जिससे इस ग्लास के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. अगर कोई भी चीज के ऊपर रखेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चाहिए. और मैं इसमें का जो एयर है इसको बर्न करने के लिए और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसमें आग जला कर दूंगा, आग जला दूंगा और जो सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा इसके अंदर वो बर्न हो जाएगा और थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ में यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करने, बॉन करके ऑक्सीजन बॉन करके. देखा देख सकते हैं कि जो ये वैक्यूम क्रिएट हो गया है थोड़ा सा ही, देख सकते हैं जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहे हैं. मैं देख सकता हूं बलून को उठा के, ग्लास ने इस बलून को एकदम टाइटली बाउंड कर लिया, पकड़ लिया. देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एकदम टाइटली बाउंड हो गया, टाइटली बाउंड हो गया. इससे प्रूव होता है कि कोई भी चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है और किसी भी चीज में हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं. देख सकते हैं पूरा ये बाउंड हो गया, एकदम अच्छी तरह टाइटली बाउंड हो गया. उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो कुछ हट नहीं रहा. यहाँ पर है वैक्यूम, स्मॉल अमाउंट ऑफ में वैक्यूम क्रिएट हो गया था. कोई चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. इस वीडियो में इतना. आपने वीडियो में देखा कि कैसे हम बना सकते हैं एक स्मॉल वैक्यूम और लो प्रेशर एक ग्लास में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें. जय हिंद, जय भारत.